दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ROR से रिलेटेड। ROR का जो रूल 1 होता है, जिसे हम लोग एप्लीकेशंस के नाम से जानते हैं, तो उसका जो पैराग्राफ बी है, आज उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर इसमें हम लोग ध्यान से देखें तो जो पार्ट ए होता है ROR का, उसको जनरल के नाम से जाना जाता है। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं यार, अगर फंक्शन 2 और जो फंक्शन 3 है, तो फंक्शन 2 और 3 का वीडियो सारे अपलोड कर दिया हूँ। और जो लोग भी फंक्शन 2 और 3 अटेंड कर रहे हैं, तो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में यार क्लियर करना है फंक्शन 2 और फंक्शन 3, तो जाके सारा वीडियो कम से कम एक बार देख लेना, ताकि सारा एटलीस्ट जो मेरा एक्सपीरियंस है कि अभी फंक्शन 2 और फंक्शन 3 का अभी हमने ओरल अटेंड किया था, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फंक्शन 2 और 3 मेरे को ओरल मिल गया। लेकिन मेरा एक पेपर अभी पेंडिंग था टेरेस्ट्रियल एंड कोस्टल नेविगेशन का, जिसके कारण हमको अभी फंक्शन 1 का हम ओरल दे नहीं पाए थे। तो अभी हम फंक्शन 1 का भी सारा वीडियो सभी बना के अपलोड कर दे रहे हैं, और उसके बाद फंक्शन 1 जब जो भी देगा, तो कम से कम फंक्शन 1 का भी वीडियो देख लेना। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं रूल 1 जो है एप्लीकेशंस है, पार्ट ए जनरल होता है। तो जो रूल 1 एप्लीकेशंस का पैराग्राफ बी है, वो क्या बोलता है कि नथिंग इन दिस रूल शैल इंटरफेयर विद द ऑपरेशन ऑफ स्पेशल रूल्स मेड बाय एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी फॉर ऑल द स्ट्रीट्स हार्बर्स रिवर्स लेक्स और इनलैंड वाटरवेज कनेक्टेड विद हाई सीज एंड नेविगेबल बाय सी गोइंग वेसल्स एंड सच अ स्पेशल रूल शैल कन्फर्म एज क्लोजली एज पॉसिबल टू दिस रूल्स। तो अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो इस पैराग्राफ बी में बेसिकली सिर्फ दो ही पॉइंट लिखा हुआ है। पहला पॉइंट ये बोल रहा है इसमें कि जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होते हैं, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कहने का क्या मतलब हुआ, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि ऑथराइज होता है वहाँ की गवर्नमेंट से, तो उसके बारे में बोलता है कि जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है वो कैन मेक द रूल्स फॉर प्रिवेंटिंग कोलिजन इन देयर कंट्रोल एरिया। तो जो भी वाटर्स हैं, अगर उस लोकल गवर्नमेंट या अथॉरिटी के कंट्रोल्स में आते हैं, तो वो लोग एक स्पेशल रूल्स बना सकते हैं जो कि प्रिवेंट करता है कोलिजन्स को। और जो सेकेंड पॉइंट इसमें है कि जो भी रूल्स है, रूल्स मेड बाय द लोकल गवर्नमेंट डू नॉट डिफर फ्रॉम द कोडेक्स। तो इसका जो सेकेंड पार्ट बोलता है कि अगर जो भी लोकल गवर्नमेंट ने अगर रूल बना दिया, तो वो रूल ऐसे नहीं होने चाहिए कि वो जो कोडेक्स है ROR से वो डिफर करने चाहिए। वही यहाँ पे सेकेंड पॉइंट लिखा है कि सच स्पेशल रूल शैल कन्फर्म एज क्लोजली एज पॉसिबल टू दीज रूल्स, तो वो ज़्यादातर डिफर नहीं करने चाहिए। और रोड स्ट्रीट्स का मतलब क्या होता है कि एरिया आउटसाइड द हार्बर। तो बेसिकली ये रूल 1 एप्लीकेशन पैराग्राफ बी में बस यही दो पॉइंट बता रहा था कि फर्स्ट कि जो भी लोकल अथॉरिटी है, जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो कोई भी हो, वो एक नए रूल्स बना सकते हैं अपने एरिया, जो भी वाटर अंदर कंट्रोल होता है उन गवर्नमेंट के। और सेकेंड है कि वो जो रूल्स होने चाहिए वो ROR से अलग नहीं होने चाहिए।